एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहना। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने थंबनेल में आप लोगों को एक आइडिया दिया है कि आज का ये एपिसोड किसके ऊपर है, तो अगेन इट्स अबाउट प्री स्कूलर्स एक्टिविटी। तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम बच्चों को जो है पिक्चर बुक्स जो है हम दिखाते हैं, हम खरीद के देते हैं उनको, और उस पिक्चर बुक्स के थ्रू हम उनको काफी सारी चीजें सिखाते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या फिर डे टू डे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो गया, या फिर बॉडी पार्ट्स हो गया। इस तरह से कोई भी जो है सब्जेक्ट है या टॉपिक है जो हम बच्चों को सिखाते हैं पिक्चर बुक्स खरीदते हैं। तो आज का जो ये एक्टिविटी है उसमें हम एक पिक्चर बुक बनाएंगे घर पे ही विथ जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से बच्चे जो है बिजी भी रहेंगे और एट द सेम टाइम बच्चे सीखते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी इसके लिए और आप किस तरह से ये बुक बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आपको इस एक्टिविटी के पहले बताऊंगी वो ये है कि आपको ये एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ बैठ के करना है, मतलब आपको उनसे करवाना है, ना कि आप सब कुछ करके उन्हें खाली पिक्चर बुक देंगे। देन उसको फिर नेम करना होगा, किस तरह से आपको नेम करना है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कौन सा अल्फाबेट है, या फिर वो कहाँ पे मिलता है, जो भी मतलब आसपास की चीजें हैं उन्हीं से पहले शुरुआत करिए, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो देखते हैं आसपास में क्या है। जैसे कि बर्ड्स हो गए, तो बर्ड्स में पिजन्स जो है ऑलमोस्ट हर एक मतलब जगह पे मिल जाएंगे, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, तो जो भी मतलब कॉमन चीजें हैं जो आसपास में हैं, आप हमेशा उन चीजों से शुरुआत करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट भी बनता है और देन उनको समझ में आ रहा है या फिर वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं इससे भी पता चलता है। क्योंकि जब आप कहीं जा रहे हैं या फिर आप घर में हैं और वो चीज जो है आपका बच्चा आइडेंटिफाई करता है कि अरे देखो मम्मा, देखो वहां पर यही चीज है जो हमने कल चिपकाया था, या फिर वो बोलता है कि डेटा देखो ना ये तो आपका कार जैसा है। तो दीज आर द थिंग्स जिनकी पता चलता है कि बच्चे जो है जो हम सिखा रहे हैं या फिर जो हम उनके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं उससे वो बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो फिर आज की इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो फेविगम, फेविकॉल या फिर किसी भी तरह का एडेसिव आप ले लीजिए। सीजर चाहिए होगा आपको, क्योंकि आपको जो है पिक्चर्स जो है वो कट करने के लिए। उसके साथ आपको चाहिए होगा एक कोई भी ड्राइंग बुक या फिर स्क्रैप बुक, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने आज एक ड्राइंग बुक लिया है क्योंकि ऑलरेडी जो स्क्रैप बुक है आद्या का वो भर चुका है। तो एक ड्राइंग बुक या फिर किसी भी तरह का कोई बुक आप रख लीजिए। एक स्पेसिफिक बुक आप उसी के लिए डेडिकेटेड रखिए कि आप उसमें सिर्फ पिक्चर्स पेस्ट करेंगे, लेबल करेंगे, ताकि बच्चे जो है उस चीज को जो है समझे कि हाँ ये मेरा पिक्चर बुक है, इसलिए मैंने सारी चीजें लगानी है और मैंने लगाई है। और जब भी बच्चा वो बुक खोलेगा तो उसको जो है वो एक तरह से रिकलेक्ट होगा कि उसने क्या क्या किया। तो दिस इज काइंड ऑफ अ रिविजन एक्टिविटी जो क्योंकि हमेशा एक ही बुक में रहेगा। इसके अलावा जो है मैं जो यूज कर रही हूँ उसके बहुत सारे कलरिंग बुक्स हैं जो ऑलरेडी भर चुकी है, वो ऑलरेडी कलर्स कर चुकी है। तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं स्टिक करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉट ऑफ पिक्चर्स मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। तो ये सारे कलरिंग एक्टिविटी वो ऑलरेडी कर चुकी है, तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे कलरिंग बुक्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि उसमें से जो है पिक्चर्स कट करेंगे और उन्हें लगाएंगे। तो अब मैं कोई एक थीम चूज करूंगी, उस थीम से जो है हम चीजें करेंगे। लेट अस से हाउस होल्ड आर्टिकल्स, मतलब घर में कौन कौन से चीजें मिलती हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं घर में, हर घर में ये चीजें मिल जाएंगी। तो उस तरह की चीजें जो है हम आज कट करके चिपकाएंगे। और एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊंगी कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल को स्टिक करने के बाद आपको क्या क्या वहां पे लेबलिंग करना है और क्या क्या आप वहां पे बच्चे को सिखा सकते हैं।
वगैरह लिखा, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से बच्चों को ये पढ़ाना है, कैसे उनके साथ आप ये करेंगे एक्टिविटी। तो ये होम है, होम के पास मैंने होम स्टिक किया, एच अल्फाबेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दे कैन कलर दिस अल्फाबेट। अल्फाबेट को कलर करने के बाद जो है आप उनको रिसाइट करवा सकते हैं कि एच इज एन अल्फाबेट, और एच का फोनिक्स भी आप कर सकते हैं कि ह, ह इज द फोनिक साउंड ऑफ एच। तो इसको थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रीज बनाया है, सन बनाया है और एक कार बनाई है, तो बच्चे इसको कलर भी करेंगे एंड एट द सेम टाइम उनको एक फीलिंग आएगा कि हाँ होम के पास जो है थोड़े बहुत पेड़ होंगे, कार खड़ी होगी या फिर कोई भी व्हीकल खड़ा होगा, दिन का टाइम है, इट्स डे टाइम क्योंकि यहाँ पे सन निकला हुआ है। तो आपको एक तरह से स्टोरी सॉर्ट ऑफ उसके अराउंड आपको बनाना है। तो अभी होम है, तो होम के अंदर जो है आप बाहर से आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाथ पैर अपने धोते हैं। तो हाथ पैर धोने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आप जाएंगे बाथरूम में, आप जाएंगे बाथरूम में क्या क्या मिलेगा आपको, टैप मिलेगा, टैप को आप ओपन करेंगे तो पानी निकलेगा, पानी वाटर निकलेगा और वाटर जो है बाहर बकेट में फिल होगा। तो लाइक डिफरेंट अल्फाबेट्स अगेन, टी फॉर टैप, डब्ल्यू फॉर वाटर, बी फॉर बकेट। सो इस तरह से हम जो है बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्फाबेट्स भी वो उनको समझ में आए और वो सीख जाते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि जैसे जैसे वो करते जाएंगे ऑटोमेटिकली उनको वो चीज आ जाती है। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग आइटम्स से जो है एक्टिविटी बुक आप रेडी कर सकते हैं, के पास अवेलेबल कटिंग्स जो है उसके थ्रू आप बच्चों को इस तरह से एक्टिविटी बुक भी बना सकते हैं, पिक्चर बुक बना सकते हैं, स्टोरी बुक बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का एक्टिविटी अच्छा लगा है, तो आप भी करके देखिए, और आपके पास अगर और भी आइडियाज हैं तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिए ताकि मैं भी अपनी डॉटर के साथ वैसी एक्टिविटीज कर पाऊँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में, बट तब तक के लिए डू स्टे ट्यून टू माई चैनल मॉम स्टोरी बाय सहना। टेक केयर, बाय बाय।